राहुल एक बोतल पानी ले आओ। जी भैया। ये लो भैया। हाँ वो क्या बोलते हैं, शुद्ध स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपके लिए। अच्छा देखें तो जरा हमारे छोटे भाई ने स्मार्ट खरीदारी की है या नहीं। लो अब बेचारी पानी की बोतल भी गई पानी में। लो देखो राहुल हो गई ना चूक, कर बैठे ना भूल। वो कैसे भैया, जरा समझाना तो बताना तो। बोतल बंद पीने के पानी की मांग और उसकी लोकप्रियता आज पूरे देश में है। महानगर हूँ या छोटे शहर, कस्बे और गांव, पानी की बोतलें हर जगह सुलभ हैं। लेकिन पीने का पानी महज पैक होना उसके शुद्ध स्वच्छ और सेहत के लिए सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। जरूरी है कि बोतल बंद पानी पर ISI मार्क भी हो, जो प्रतीक है देश के करोड़ों लोगों के भरोसे और विश्वास का। ये देता है गारंटी पानी के शुद्ध स्वच्छ और सेहत के लिए सुरक्षित होने की। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच और परीक्षण के बाद उत्पादक कंपनियों को जारी स्टैंडर्ड मार्क का बोतल बंद पानी पर होना अनिवार्य है। यानी बिना ISI मार्क वाली पानी की बोतलें बाजार में नहीं बेची जा सकती, इसलिए पैकेज बंद पेयजल पर ISI मार्क देखना जरूरी है। BIS ने बोतल बंद पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए IS 14543 मानक विकसित किया है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2001 में मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया। इसके बाद नई तकनीकों के साथ चलते हुए इसे वर्ष 2004 और 2016 में संशोधित किया गया। मानक के अनुसार बोतल बंद पानी तैयार करने के लिए ऊपरी सतह का पानी, भूजल या समुद्र के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद पानी को कई शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना आवश्यक है। आधुनिक और कुशल विधियों से फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO, खनिज लवण हटाना और मिलाना, और नई विधियों से पानी को उचित स्तर तक कीटाणु मुक्त करना। पानी की गुणवत्ता से संबंधित 51 पैरामीटर्स की कड़ी जांच की जाती है, जिनमें शामिल हैं माइक्रोबायोलॉजिकल, फिजिकोकेमिकल, रेडियो एक्टिव रेसिड्यूज, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज और टॉक्सिक एलिमेंट्स की जांच आदि। पानी के प्लांट के अंदर बाहर की साफ सफाई और स्टाफ की निजी स्वच्छता का ऊंचा स्तर आवश्यक है। मानक के अनुरूप पानी की पैकिंग प्लास्टिक बोतलों में होनी चाहिए। इन सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरने पर ही उत्पादक कंपनी को ISI मार्क के इस्तेमाल की स्वीकृति दी जाती है। केवल विभिन्न क्षमताओं की बोतलों पर ही नहीं बल्कि जार, ग्लास और पाउच पर भी ISI मार्क लगाया जाता है। हमारे देश में लगभग 6000 निर्माता ISI मार्क के साथ बोतल बंद पानी का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं। आजकल उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक खनिज युक्त पानी यानी नेचुरल मिनरल वाटर भी बाजार में उपलब्ध है। इसके लिए BIS ने एक अलग मानक विकसित किया है IS 13428, और ये भी वर्ष 2001 से मैंडेटरी है। इसके पैरामीटर बोतल बंद सामान्य पानी जैसे ही हैं, बस अंतर केवल इतना है कि ये मिनरल वाटर प्राकृतिक स्रोत से लेना पड़ता है और फिल्ट्रेशन के अलावा अन्य किसी प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाता। नेचुरल मिनरल वाटर के लिए देश में 20 से ज्यादा उत्पादकों को ISI मार्क जारी किया जा चुका है। ये दोनों ही मानक इम्पोर्टेड वाटर पर भी अनिवार्य रूप से लागू हैं। यदि कोई आपको बिना ISI मार्क वाला बोतल बंद पानी बेचे तो लेने से इनकार करें और केवल ISI मार्क बोतल बंद पानी देने के लिए कहें। अगर तब भी वो आपको ISI मार्क बोतल बंद पानी देने से मना करे तो एक जागरूक उपभोक्ता का कर्तव्य निभाते हुए आप उसकी शिकायत उपयुक्त फोरम में करें। अच्छा तो ये बात है भैया, तो पानी की बोतल पर ISI मार्क देखना जरूरी है। और कुछ देखना हो तो वो भी बता दीजिए भैया। हाँ अगर स्मार्ट ग्राहक बनना है तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। जी भैया। उत्पाद का नाम, ISI मार्क के साथ IS नंबर और लाइसेंस नंबर, उत्पादक का नाम और पता, बैच नंबर, उत्पादन की तारीख, बेस्ट बिफोर डेट और FSSAI लाइसेंस नंबर। अच्छा। और हाँ इसके साथ ये भी देखना होगा कि पानी की बोतल की सील टूटी ना हो, और अगर पानी का जार लिया जाए तो उसकी कैप पर चढ़ी श्रिंक स्लीव के ऊपर
बैच नंबर और लाइसेंस नंबर देखना जरूरी है। समझ गया भैया। और स्मार्ट उपभोक्ता बनने के लिए ये भी जरूरी है कि पानी की बोतल को पीने के बाद उसे क्रश करके डस्टबिन में डालें, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके। ये तो मैं जानता हूँ भैया, बोतल के ऊपर भी लिखा होता है। वेरी गुड। तो मैं अभी गया और अभी आया इसे वापस करके ISI मार्क वाला शुद्ध स्वच्छ और सुरक्षित पानी लेकर। हाँ, वेरी गुड। ISI का निशान पानी के शुद्ध स्वच्छ और सुरक्षित होने की पहचान।